गुड इवनिंग आप सभी का सक्सेस सेंटर सीकर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है जल्दी से लाइव आ जाइए ताकि क्लास स्टार्ट कर सकें और एक बार सभी स्टूडेंट्स क्लास को शेयर कर दीजिएगा तो इवनिंग में अपनी जो क्लासें हैं शाम को सात बजे से आठ बजे तक डेली प्रैक्टिस सेशन रहने वाला है और टिल एग्जाम आपकी क्लासें रहेगी और ये जो सीरीज है आपकी टॉपिक वाइज सीरीज रहने वाली है हाँ भाई स्टेज दादा वेलकम है आपका हाँ भाई क्लास को शेयर कर दीजिए और अब आपकी क्लासे जो इवनिंग में है वो टिल एग्जाम रहने वाली है ठीक है तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो अपन कवर करने वाले हैं मोबाइल कम्युनिकेशन ठीक है क्योंकि इसके जो क्वेश्चन है ज्यादातर ए में टेक्निशियन में इनमें काफी पूछे जाते हैं इसलिए सबसे पहले अपन मोबाइल कम्युनिकेशन टॉपिक कवर करेंगे ठीक है तो आ जाइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन देखिएगा अब देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि मोबाइल कम्युनिकेशन नेटवर्क इज एल्सो कॉल्ड तो मोबाइल जो कम्युनिकेशन नेटवर्क है उसे क्या कहा जाता है तो सेल्युलर नेटवर्क भी कहा जाता है और मोबाइल नेटवर्क भी कहा जाता है तो यहां पर जो सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है आप लोगों का वो पहला क्वेश्चन ये बनता है कि वर्ल्ड वर्ल्ड विश्व का वर्ल्ड फर्स्ट फर्स्ट सेल्युलर नेटवर्क सेल्युलर नेटवर्क तो विश्व का पहला जो सेल्युलर नेटवर्क था वो कौन सा था वो आपका था एनटीटी ठीक है पहला कौन सा था एनटीटी था तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है निपोन निपोन टेली ग्राफ एंड टेलीफोन टेलीफोन ठीक है ये टोक्यो जापान द्वारा टोक्यो जापान द्वारा डिजाइन किया गया था 1979 में ठीक है तो आपसे यहां से पहला क्वेश्चन क्या बनता है कि विश्व का पहला जो सेलुलर नेटवर्क था उसका नाम क्या था एन था और ये टोक्यो जापान द्वारा लॉन्च किया गया था कब लॉन्च किया गया था तो उन्नीस उन्यासी में यानी 79 में तो यहां पर ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा आप लोगों का डी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा वेरी गुड संजू गुड इवनिंग हाँ भाई चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछा गया अब देखिए जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि खालिस्तान टेक्नोलॉजी इज यूज फॉर कम्युनिकेशन ओवर लार्ज डिस्टेंस वायरलेस ठीक है तो इसने क्या कहा है वायरलेस की बात की है तो यहाँ पर आप लोगों को पता है कि जो आपके ट्रांसमिशन जो मीडिया होते हैं ट्रांसमिशन का जो मीडियम होता है आप लोगों का ये मीडियम दो प्रकार का होता है एक तो होता है आप लोगों का गाइडेड और दूसरा होता है अनगाइडेड पहला कौन सा होता है गाइडेड होता है और दूसरा कौन सा होता है अनगाइडेड होता है तो जो गाइडेड होता है इसमें हमेशा क्या होता है कि जो ट्रांसमीटर और जो आप लोगों का रिसीवर होता है इन दोनों के मध्य फिजिकल कनेक्शन होता है ठीक है ना क्या होता है फिजिकल कनेक्शन होता है तो जो आपका गाइडेड मीडियम होगा उसमें क्या होगा ट्रांसमीटर और रिसीवर के मध्य फिजिकल कनेक्शन होगा यानी यहां पर किसी ना किसी वायर का प्रयोग किया जाएगा दूसरा कौन सा है अनगाइडेड मीडियम है तो अनगाइडेड मीडियम में क्या होता है यहां पर अनगाइडेड मीडियम होगा उसमें जो ट्रांसमीटर और जो रिसीवर है इनके मध्य फिजिकल कनेक्शन नहीं होता है नो फिजिकल कनेक्शन कोई भी इनमें भौतिक संयोजन नहीं होता है तो इसमें फ्री स्पेस का प्रयोग किया जाता है किसका प्रयोग किया जाता है फ्री स्पेस का यूज किया जाता है तो आपका जो टेक्नोलॉजी यहां पर यूज की जाती है लॉन्ग डिस्टेंस के लिए वायरलेस वो कौन सी है अनगाइडेड तो इसका एग्जाम्पल भी यहां पर कौन सा आ जाता है आप लोगों का मोबाइल कम्युनिकेशन आ जाता है ठीक है ना कौन सा आएगा मोबाइल कम्युनिकेशन लैंड कम्युनिकेशन नहीं लैंड पर तो आप लोगों का वायर्ड में कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि, कि किसी विशिष्ट दिशा में संचार होगा आप लोगों का तो कौन सा ऑप्शन सही होगा मोबाइल कम्युनिकेशन आप लोगों का आंसर सही होगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से यहां पर क्या पूछा गया है बताने की कोशिश कीजिए सभी वेरी गुड तो इसमें पूछा गया है कि विच ऑफ फॉलोइंग आर नोट यूज इन मोबाइल कम्युनिकेशन मोबाइल कम्युनिकेशन हेतु नहीं प्रयोग किया जाता है तो आप सभी को पता है कि यहाँ पर किसी भी वायर या केबल या वायर्ड एंटीना का प्रयोग मोबाइल में नहीं किया जाता जबकि टेलीफोन है आप लोगों का उसमें वायर्ड रहता है उसमें क्या रहता है वाइड रहता है तो यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन आपका यह भी बनता है मोबाइल से कि फादर ऑफ फादर ऑफ मोबाइल फोन मोबाइल फोन का जनक किसा किसे कहा गया है बताइएगा तो फादर ऑफ मोबाइल फोन किसे कहा गया है मार्टिन कूपर को कहा गया है किसे कहा गया है मार्टिन Hooper को कहा गया है फादर ऑफ मोबाइल फोन ठीक है अब स्मार्टफोन बनाने वाली पहली कंपनी कौन सी थी बताओ स्मार्टफोन स्मार्टफोन बनाने वाली पहली कंपनी कौन सी थी यह आप लोगों को बताना है तो आपसे कोई पूछे कि स्मार्टफोन बनाने वाली पहली जो कंपनी थी वो आपकी थी आई इंटरनेशनल बिजनेस मशीन थी इसका फुल फॉर्म भी ध्यान में रखना है क्या होता है इंटरनेशनल इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है क्या होता है बिजनेस मशीन होता है जिसे आप लोग आईबीएम को बिग ब्लू भी कहते हैं क्या कहते हैं बिग ब्लू भी कहते हैं तो यहां पर कोई भी वायर का यूज नहीं किया जाता है ना ही केबल का यूज किया जाता है मोबाइल फोन में कम्युनिकेशन हेतु वायर्ड एंटीना भी नहीं होता है तो कौन सा होगा ओल अबो ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट होगा दिनेश वायर नहीं होगा ठीक है इसमें पूछा क्या गया है निम्न में से किसका उपयोग मोबाइल संचार में नहीं किया जाता है तो वो क्या है वायरलेस है ठीक है ना संचार की बात हो रही है तो वायरलेस जिसे आप अनगाइडेड कहते हैं इसका तो अनगाइडेड मीडियम में आप यहां पर कोई भी वायर या केबल ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में नहीं प्रयोग करेंगे ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर चार अब बताइएगा चार नंबर जो क्वेश्चन है इसमें आप लोगों से क्या पूछा गया है हाँ भाई आंसर बताने की थोड़ी सी जल्दी कीजिएगा ठीक है अब देखिए यहां पर पूछा गया है कि टेक्नोलॉजी हैज ग्रुप्ड डिफरेंट मोबाइल टेलीफोनी एंड डेटा टेक्नोलॉजी टू ओवर थ्री जी इसने कहा है कि थ्री जी का जो मोडिफाइड फॉर्म होता है वो कौन सा होता है ये आप लोगों से पूछा गया अब देखो जो फर्स्ट जनरेशन थी ध्यान रखना ये जो फर्स्ट जनरेशन थी आप लोगों की ये जो फर्स्ट जनरेशन आप लोगों का मोबाइल फोन लॉन्च हुआ था सन उन्नीस में और फर्स्ट जनरेशन की जो स्पीड थी वो आपकी 2.4 पॉइंट Kbps थी ठीक है ये पॉइंट ध्यान रखना है आप लोगों ठीक है तो यहां पर ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट जनरेशन है वो कब लॉन्च हुई उन्नीस में और ये कहाँ पर नॉर्थ अमेरिका में किसमें नॉर्थ अमेरिका में इसे लॉन्च किया गया था किसको फर्स्ट जनरेशन मोबाइल फोन को और इसकी स्पीड कितनी थी 2.4 पॉइंट थी और इसमें केवल एनालॉग केवल किसका एनालॉग सिग्नल यूज किए जाते थे और इसमें केवल कॉल ही, ही पॉसिबल था क्या था कॉल ही इसमें पॉसिबल था जबकि आप 2G की बात करेंगे तो जो 2G था आप लोगों का ये जो 2G है ये 2G आप लोगों का लगभग सन उन्नीस इक्यानवे के करीब आ गया था और ये लॉन्च हुआ था फिनलैंड में किसमें हुआ था फिनलैंड में लॉन्च हुआ था और इसकी जो स्पीड है वो ध्यान में रखना है 64 kbps थी कितनी थी 64 kbps थी तो इसमें केवल वॉइस कॉल इसमें केवल कॉल और जो आप लोगों का डिजिटल डेटा था ठीक है यानी शोर्ट एस एम एस एस एम एस शोर्ट मैसेज सर्विस था उसका ही यूज किया जाता था उसके बाद में 2.5G आया जिसे आप टू जी प्लस क्या कह सकते हैं जीपीआरएस कह सकते हैं जीपीआरएस की फुल फॉर्म बताने की कोशिश कीजिए जमुना लाल मीणा नमस्ते भाई ठीक है तो थोड़ा सा डेटा को आप पांच से छह जो क्लासे होती है उसमें कवर करने की कोशिश करना मेरा टारगेट है कि जो मैं आप लोगों को डेढ़ सौ से दो सौ क्वेश्चन मोबाइल कम्युनिकेशन पर करवाने वाला हूं तो उनमें जो भी आप लोगों को थियोरिटिकल पढ़ाया जाता है वो साथ में कंप्लीट आप लोगों को कवर करवा दिया जाएगा ठीक है ना तो आप सभी के सभी विद्यार्थी एक कम से कम एक रफ कॉपी और पेन लेकर के इन डेटा को साथ साथ में नोट करते जाइएगा क्योंकि ये एक तरीके से आपके शोर्ट नोट ही प्रिपेयर हो रहे हैं ठीक है तो टू पॉइंट फाइव जी था वो क्या है टू जी प्लस में जीपीआरएस है तो जीपीआरएस का फुल फॉर्म बताने की कोशिश कीजिएगा जनरल क्या है होता है जनरल पैकेट रेडियो सर्विस होता है क्या होता है इसका फुल फॉर्म जीपीआरएस का जनरल पैकेट रेडियो सर्विस इसका फुल फॉर्म होता है ठीक है उसके बाद में ध्यान में रखना 2.5G के बाद में आप लोगों का 3G आता है और 3G की जो स्पीड होती है वो 144 Kbps से लेकर के आपकी टू एमबीपीएस तक होती है कितनी होती है टू एम तक होती है और इसका जो मोडिफाइड फॉर्म आता है वो थ्री पॉइंट फाइव जी आता है ध्यान रखना है ज्यादातर बच्चों ने फोर जी किया है उन सभी का आंसर गलत है ठीक है तो ध्यान में रखना है कि जो आप लोगों का थ्री जी है थ्री जी का इवोल्यूटेड यानी उसका सुधरा हुआ मोडिफाइड फॉर्म आया वो थ्री पॉइंट फाइव जी आया जिसे अन्य किस नाम से जाना जाता है थ्री जी प्लस या टर्बो थ्री जी ठीक है टर्बो थ्री जी भी बोला जाता है इसे और इसमें क्या होता है एच एस पी ए इसे एच एस पी कहा जाता है हाई स्पीड पैकेट एक्सेस वेरी गुड जनरल पैकेट रेडियो सर्विस वेरी गुड दिनेश ठीक है मैंने क्या बताया था जनरल पैकेट रेडियो सर्विस वेरी गुड ठीक है तो एच एस पी ए का फुल क्या होता है जल्दी से बताने की कोशिश कीजिए सभी विद्यार्थी तो इसका फुल फॉर्म होता है हाई स्पीड क्या होता है हाई स्पीड पैकेट एक्सेस होता है ठीक है पैकेट एक्सेस होता है इसका फुल फॉर्म तो ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है तो यहां पर क्वेश्चन में पूछा गया है प्रौद्योगिकी ने विभिन्न मोबाइल टेलीफोन और डेटा प्रकार प्रौद्योगिकी को 3G से अधिक में समूहित किया है यानी उसका मोडिफाइड फॉर्म पूछा है तो कौन सा आ जाएगा थ्री पॉइंट फाइव जी आएगा न कि आपका फोर जी आएगा ठीक है ना तो ध्यान रखना है इस पॉइंट को ठीक है तो थ्री जी का जो मोडिफाइड फॉर्म है वो कौन सा है थ्री पॉइंट फाइव जी है या एच एस पी ए कह सकते हो जिसे थ्री जी प्लस या टर्बो थ्री जी भी कहा जाता है ठीक है तो ये सारे के सारे जो पॉइंट्स मैं आप लोगों को बता रहा हूं ये आप लोगों को साथ साथ में क्लियर हो जाने चाहिए ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और आंसर बताने की कोशिश कीजिए सभी विद्यार्थी अब देखिएगा क्वेश्चन में क्या पूछा गया है क्वेश्चन में पूछा गया है कि ए मोबाइल फोन यूज खालिस्तान टाइप ऑफ डिप्लेक्स कम्युनिकेशन। तो मैंने आप लोगों को ट्रांसमिशन के दो मोड बताए थे क्या बताए थे ट्रांसमिशन मोड बताए थे ठीक है तो ट्रांसमिशन के कितने मोड होते हैं दो मोड होते हैं एक तो आप लोगों का होता है सिंप्लेक्स मोड क्या होता है मोड होता है दूसरा कौन सा होता है डुप्लेक्स मोड होता है ये जो सिम्प्लेक्स मोड होता है ये वन वे होता है वन वे का मतलब यहां पर होता है कि केवल सिग्नल आप लोगों का ट्रांसमीटर टू रिसीवर ही आप लोगों का भेजा जा सकता है जबकि आपका जो डुप्लेक्स मोड होता है ये टू वे होता है यानी ये बाई डायरेक्शनल होता है तो इसमें ट्रांसमीटर टू रिसीवर और रिसीवर टू ट्रांसमीटर बोथ डायरेक्शन में क्या किया जा सकता है सिग्नल सेंड किया जा सकता है तो यहां पर ध्यान में रखना है कि ये क्या है आप लोगों का टू वे है ठीक है अब यहां पर इसके एग्जाम्पल पूछे जाए तो आप लोग सिंप्लेक्स का एग्जाम्पल किसको बताने वाले हो यहाँ पर जैसे रेडियो हो गया आप लोगों का और इसके अलावा क्या हो गया टेलीविजन हो गया ठीक है तो ये किसके एग्जाम्पल हैं आप लोगों के सिम्प्लेक्स के हैं डुप्लेक्स की बात करोगे तो इसमें एक तो हाफ ड्यूप्लेक्स आता है कौन सा आता है हाफ ड्यूप्लेक्स आता है और हाफ डुप्लेक्स का एग्जाम्पल आप लोगों का क्या होता है वो कीटोकी होता है क्या होता है वो कीटोकी होता है हा भाई प्रेम गुड इवनिंग वेरी गुड और जो फुल डुप्लेक्स होता है इस फुल डुप्लेक्स का जो एग्जाम्पल होता है आपका टेलीफोन होता है क्या होता है टेलीफोन और जो फुल बाय फुल या आप लोगों का मोबाइल फोन होता है ऐसा भी लिख सकते हैं और जो फुल बाय फुल होता है जिसमें कॉन्फ्रेंस कॉलिंग होती है वो आपका मोबाइल फोन में भी आता है तो यहां पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आप लोगों का बी तो ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा वेरी गुड सभी बच्चों का आंसर सही है तो धीरे धीरे रिदम वापस बनाइएगा क्योंकि अब आप लोगों का जो प्रैक्टिस सेट है वो आज ये फर्स्ट क्लास है तो कोशिश कीजिए कि साथ साथ में आप लोग इनको कवर करते रहे ठीक है जो मैंने अब आप लोगों के लिए इस मोबाइल कम्युनिकेशन पर कम से कम 200 सौ क्वेश्चन तैयार किए हैं तो आप कोशिश करो कि उन क्वेश्स के माध्यम से अपने सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाए फर्स्ट जनरेशन से लेकर के फिफ्थ जनरेशन के तो इसमें क्या है कि पहले जैसे 25 से 30 क्वेश्चन है आप लोगों के बेसिक आने वाले हैं फिर 25 से आगे के जो क्वेश्चन है मान लीजिए 50 तक के वो फर्स्ट जनरेशन से रिलेटेड आएंगे फिर सेकंड जनरेशन से रिलेटेड आएंगे थर्ड फोर्थ फिफ्थ इस प्रकार से सारे के सारे जो टॉपिक है इन क्वेश्चन में कवर किए गए हैं तो कोशिश करो कि साथ साथ में डेली ज्यादा नहीं 40 से 50 मिनट की अपनी क्लास होती है तो उसमें पूरा अपना माइंड कंसंट्रेट करके अपन तैयारी करें ठीक है तो जो बच्चे तैयारी करते हैं उनका सिलेक्शन होता है हंड्रेड परसेंट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और एंसर बताने की कोशिश कीजिए सभी विद्यार्थी हाँ भाई बताइएगा अब इसमें पूछा गया है कि फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन इज अभी मैंने बताया आप लोगों को कि फुल डुप्लेक्स होता है आप लोगों का जो ट्रांसमिशन का जो मोड होता है ट्रांसमिशन जो मोड होता है कौन सा फुल डुप्लेक्स किसकी बात कर रहा है फुल डुप्लेक्स की बात कर रहा है तो जो फुल डुप्लेक्स है आप लोगों का ये क्या होता है टू वे होता है का मतलब क्या होता है इसमें सिग्नल आपके ट्रांसमीटर टू रिसीवर और रिसीवर टू ट्रांसमीटर में क्या किए जा सकते हैं ट्रांसमिट किए जा सकते हैं तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई वेरी गुड दिनेश कुमार ने सही आंसर दिया है तो बी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाता है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और आंसर बताइएगा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है फर्स्ट क्लास है आप लोगों की तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन सिलेक्ट किए गए चलिए बताइएगा कि विच ऑफ़ फॉलोइंग आर फीचर्स ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन। तो मोबाइल कम्युनिकेशन के फीचर्स क्या होते हैं ठीक है तो यहां पर अगर आप लोग फर्स्ट जनरेशन की बात करोगे तो फर्स्ट जनरेशन में तो के आप डिसएडवांटेज देखोगे बहुत ज्यादा है ठीक है डिसएडवांटेज की बात करता हूं फर्स्ट जनरेशन के तो फर्स्ट जनरेशन था उसमें जो वॉइस क्वालिटी थी ना वॉइस क्वालिटी क्या थी पुअर थी लेकिन आज के समय में जो मोबाइल फोन आ रहे हैं उनकी वॉइस क्वालिटी बहुत ही बेटर आ रही है ठीक है तो यहां पर आपका क्या है वो एक उसका स्पेसिफिक केशन या आप उसकी कह सकते हैं विशेषताएं बन चुका है और ये जो साइज था फर्स्ट जनरेशन के मोबाइल फोन का वो क्या था लार्ज साइज था क्या था लार्ज साइज़ था और पावर कंजन भी ज्यादा था आजकल के मोबाइल फोन में लिथियम आयन बैटरी यूज करने से उसका बैटरी का जो बैकअप है या आप कह सकते हो उसका जो कैपेसिटी है वो एम्पियर हावर वो भी बढ़ चुका है तो इसका क्या है हाई लोड बैलेंस कैपेसिटी सही है हाई स्टेबिलिटी ये भी सही है स्टेबिलिटी होना चाहिए था और गुड नेटवर्क मैनेजमेंट भी है ठीक है क्योंकि जो हैंड ऑफ होता है ना हैंड ऑफ के बारे में जानते होंगे सब विद्यार्थी हैंड तो ऑफ क्या होता है बताएगा कोई विद्यार्थी हाँ गुड नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम हो गया है तो इसका हैंड ऑफ से क्या रिलेशन है तो ध्यान रखना है कि जैसे ये कोई नेटवर्क है आप लोगों का ठीक है ये कोई नेटवर्क है और ये आप लोगों का दूसरा नेटवर्क है ठीक है तो अब यहां का जो टावर है और ये यहां का टावर है तो अब क्या है कि जैसे ही आप लोगों का मोबाइल फोन इस टावर के अंडर में था कहा था इस टावर के अंडर में था आपका मोबाइल फोन तो जैसे ही ये इस टावर से इस टावर में जाता था तो यहां पर आप लोगों की कॉल क्या होती थी एक बार डिस्कनेक्ट होती थी डिस्कनेक्ट तो ये किसकी प्रॉब्लम थी नेटवर्क की थी ठीक है लेकिन आज के समय के जो फोन है उनमें क्या हो गया गुड नेटवर्क मैनेजमेंट हो गया यानी कहने का मतलब क्या होगा कि इनमें जो एंटीना यूज किए जाते हैं वो आपके इस प्रकार के रहते हैं कि आप लोगों को ये फील नहीं होता कि एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में अपन ट्रांसफर हो रहे हैं तो एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में स्विचिंग को ही क्या कहा जाता है हैंड ऑफ कहा जाता है क्या कहा जाता है हैंड ऑफ कहा जाता है ध्यान रखना तो यहां पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा आप लोगों का डी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाता है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और आंसर बताने की कोशिश कीजिए हाँ भाई साथ साथ में बताते रहिएगा सभी विद्यार्थी आंसर ताकि मुझे ये भी लगे कि आप लोग पढ़ रहे हैं हाँ भाई विक्रम कुमार नागोई हाँ प्रेम कम्युनिकेशन के बाद में करवाएंगे ठीक है पहले इसके मोबाइल कम्युनिकेशन के लगभग 200 क्वेश्चन करेंगे टॉपिक वाइज चलेगा आप, सब कुछ ठीक है तो आप मुझे पांच दिन पहले ही बता देना कि हमें पहले इस टॉपिक के क्वेश्चन ऑप्टिकल तो फाइबर ले लेंगे ठीक है तो आप लोगों को टेंशन फ्री रहना है केवल आप लोगों को तैयारी पर फोकस रखना है ठीक है तो चलिए क्वेश्चन का आंसर बताने की कोशिश कीजिए विच ऑफ फॉलोइंग आर दी एग्जाम्पल ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम यानी निम्नलिखित में से कौन मोबाइल संचार प्रणाली के उदाहरण है तो जो सेल्युलर फोन है कोडलेस फोन है ये आप लोगों के क्या है मोबाइल कम्युनिकेशन के क्या है उदाहरण है तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पर डी ऑप्शन आप लोगों का सही होगा कौन सा ऑप्शन सही होगा डी ऑप्शन आप लोगों का सही होगा टेक्निकल सिटीजन का भी आंसर सही है संजू का भी सही है हेमंत, वेरी वेरी गुड, गुड, दिनेश, शाबाश, जीसीएम, सभी बच्चों का आंसर सही है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और आंसर बताइएगा हाँ भाई बताइए क्वेश्चन नंबर नो विच ऑफ फॉलोइंग आर दी फैसिलिटी ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन तो मोबाइल कम्युनिकेशन की फैसिलिटी के बारे में पूछा गया है मोबाइल टू वे रेडियो है मोबाइल टेलीफोनी पब्लिक है या लैंड रेडियो एमच्योर रेडियो है तो ये फैसिलिटी तो देखो मोबाइल टू वे रेडियो है तो यहां पर फैसिलिटी की बात करें तो मोबाइल फोन से आप क्या कर सकते हो वीडियो वीडियो कॉलिंग ठीक है नेट सफरिंग नेट सफरिंग डाउनलोडिंग डाउनलोडिंग ठीक है इसके अलावा रेडियो ठीक है रेडियो लिसनिंग है ना ये भी है और ये जो है ना मोबाइल टेलीफोन पब्लिक और लैंड रेडियो एमच्योर ये एक रेडियो का प्रकार भी है भाई ठीक है ना ये एक रेडियो का प्रकार भी है इस पर क्वेश्चन भी आएंगे आगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहती है फ्रीक्वेंसी बैंड क्या होता है एक एल एम आर भी होता है भाई एल एम आर फुल फॉर्म बताएगा कोई विद्यार्थी लैंड मोबाइल रेडियो सिस्टम हाँ भाई ठीक है एल एम आर का फुल फॉर्म क्या होता है लैंड मोबाइल रेडियो सिस्टम क्या होता है रेडियो सिस्टम होता है ये 1930 1930 में में बना था आप लोगों का 1930 में. तो ये सारी फैसिलिटीज किसके माध्यम से अवेलेबल है आप लोगों के सामने मोबाइल कम्युनिकेशन हाँ भाई शुभम इसरो इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक सिलेबस बताए सर हाँ भाई एक बार मैं देख करके बताऊंगा आप लोगों को डायरेक्ट ये नहीं बता रहा कि ये इसका ये होता है पूरा टेक्निकल होता है ठीक है मैं देख करके फिर बताऊंगा बता पाऊंगा आप लोगों को कि कौन कौन से टॉपिक है आप लोगों के मैंने उसका सिलेबस नहीं देखा है भाई ठीक है इसरो में वैसे तो अस्सी क्वेश्चन आते हैं आप लोगों के यू में उसका तो मैंने देखा था और उसमें अस्सी क्वेश्चन आप लोगों के टेक्निकल होने वाले हैं तो वो सबसे बेटर अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए ठीक है अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछे ध्यान से देखो मोबाइल टू वे रेडियो इज वन टू मैनी टू वे या फुल डुप्लेक्स या सिंप्लेक्स मोबाइल टू वे रेडियो बताइए अब देखो मोबाइल है वो तो आपका टू वे है फुल डुप्लेक्स है लेकिन यहां पर बात किसकी हो रही है रेडियो की बात हो रही है किसकी बात हो रही है रेडियो की तो रेडियो में क्या होता है कि आप अपलिंग के माध्यम से क्या करते हैं अपने सैटेलाइट को सिग्नल भेजते हैं तो इसके माध्यम से मल्टीपल यूजर इसे क्या करते हैं रिसीव करते हैं क्या करते हैं सिग्नल को रिसीव करते हैं तो ये क्या होता है वन टू मैनी होता है क्या होता है वन टू मैनी होता है तो ध्यान रखना है कि यहां पर मोबाइल की बात नहीं की है मोबाइल टू वे रेडियो की बात हुई किसकी बात हुई है रेडियो की बात हुई है तो अगर आप सैटेलाइट का एग्जाम्पल लेकर के देखोगे तो अपलिंग के माध्यम से एक स्टेशन से ही सिग्नल सेंड किया जाता है और इससे अपन क्या करते हैं है? मैनी जो रेडियो रिसीवर है वो इसे क्या करेंगे रिसीव करेंगे तो ये क्या है वन टू मैनी है ध्यान रखना वन टू क्या है मैनी है ठीक है तो ध्यान रखना है इस क्वेश्चन का आप लोगों को चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं आप लोगों के सामने जो आपको काफी कंफ्यूज करेंगे ठीक है अब थोड़े से कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आएंगे आपके सामने तो उनको ध्यान से आप लोग पढ़ेंगे ठीक है अब देखो मोबाइल टू वे रेडियो ऑपरेट्स इन मोड बताइए अब देखो यहां पर क्या पूछा गया है मोबाइल टू वे रेडियो ऑपरेट्स इन विच मोड हाफ डिप्लेक्स फुल डिप्लेक्स और मल्टी डिप्लेक्स या नन ऑफ दीज बताइए सभी विद्यार्थी तो मोबाइल जो टू वे है रेडियो ठीक है तो उसकी बात हो रही है तो मोबाइल टू वे रेडियो एक तरीके से यहां पर किसकी बात हो रही है वोकी टोकी को रेफरेंस लेकर के बातचीत हो रही है तो वोकी टोकी की जब बात होती है तो वो किसमें होता है हाफ डिप्लेक्स में होता है में होता है हाफ डिप्लेक्स में होता है, किस में होता है? हाफ और आप लोगों ने देखा होगा कि पहले भी मैंने बताया था कि उसमें क्या होता है कि जैसे एक क्रोस टॉकिंग होती है वो पॉसिबल नहीं होती है तो जो भी इमरजेंसी वाले स्थान होते हैं जैसे मान लीजिए पुलिस इसका यूज करती है या बहुत सारे इंडस्ट्री में या आप लोगों का ट्रांसपोर्ट में इसका यूज किया जाता है यानी क्रिटिकल जहां पर सिचुएशन होती है वहां पर इसका यूज किया जाता है जैसे आपने देखा होगा वो अपनी कोई भी बातचीत होती है कोई भी अधिकारी हो गई है तो अब दूसरा व्यक्ति वहां पर अपनी बात रख सकता है ठीक है तो प्रत्येक व्यक्ति अपनी बात बोलने के बाद में ओवर बोलता है अगर वो आपस में एक दूसरे को बोलते रहेंगे तो क्रोस टोकिंग की वजह से वहां पर क्या होगा ना ही तो सेंडर को मैसेज प्राप्त होगा और ना ही रिसीवर को तो इसलिए ये यह पर कुछ, कुछ में आएगा हाफ डिप्लेक्स में आएगा ठीक है जिसमें आएगा हाफ डिप्लेक्स में आएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और आंसर बताने की कोशिश कीजिए हाँ भाई बताइएगा अब देखिए इसमें पूछा गया है कि जो सिटीजन बैंड रेडियो होता है ऑपरेट एट विच फ्रीक्वेंसी। तो जो सिटीजन बैंड रेडियो होता है वो आप लोगों का लगभग 26.4 से लेकर के मेगा हट से ठीक है ये 27. पॉइंट सत्ताईस मेगा पर ऑपरेट होगा ठीक है किस पे 26.4 मेगाहर्ट्ज से 27.1 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट होता है सिटीजन बैंड रेडियो कौन सा सिटीजन बैंड रेडियो ठीक है इसके अलावा सिटीजन बैंड रेडियो से ही नेक्स्ट आप लोगों का जो क्वेश्चन आता है क्वेश्चन ये आता है कि इसमें कौन सी टेक्निक यूज मिलाई जाती है मॉड्यूलेशन की टेक्निक कौन सी यूज मिलाई जाती है तो जो सिटीजन बैंड रेडियो कम्युनिकेशन है उसमें आप एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन टेक्निक की यूज करते हैं कौन सी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन टेक्निक तो इसमें क्या होता है कि जो आपका कैरियर सिग्नल होता है उसका जो मैसेज होता एम्पलीट्यूड uh, जो कैरियर सिग्नल होता है उसका एम्पलीट्यूड मैसेज सिग्नल के अनुसार चेंज होता है ठीक है ना क्या होता है कि जो एम टी है आप लोगों का मैसेज सिग्नल है इस मैसेज सिग्नल के अनुसार क्या चेंज होता है आप लोगों का कैरियर का आयाम चेंज होता है जबकि आपकी फ्रीक्वेंसी और जो फेज होता है ये दोनों ही क्या रहते हैं कांस्टेंट रहते हैं ये डेफिनेशन होती है किसकी एम्पलीट्यूड मोडुलेशन की तो ध्यान रखना है कि सिटीजन बैंड रेडियो होता है उसकी फ्रीक्वेंसी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी 26 से 27.1 पॉइंट होती है और इसमें जो मॉडुलेशन टेक्निक प्रयोग में लाई जाती है वो कौन सी होती है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कौन सी होती है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या होता है हमेशा ध्यान रखना है कि एम्प्लीट्यूड मोडुलेशन टेक्निक वह टेक्निक है जिसमें कैरियर का आयाम मैसेज सिग्नल के अनुसार चेंज होता है जहां फ्रीक्वेंसी और फेज दोनों क्या रहते हैं कॉन्स्टेंट रहते हैं ठीक है तो ये जो आप लोगों का रिवीजन हो रहा है तो इस रिवीजन में जितने ज्यादा आप लोग कवर करेंगे पार्ट को उतना ही बेनिफिट मिलेगा अब देखो अपन ने इसका आंसर भी फाइंड आउट किया और एम की डेफिनेशन क्या होती है वो भी अपन ने साथ में देख लिया तो उससे क्या हुआ कि दो क्वेश्चन आप लोगों के क्लियर हो चुके हैं इसी प्रकार अगर आप एफ का देखोगे तो उसमें क्या होगा कि कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी चेंज होगी मैसेज सिग्नल के अनुसार जहां पर फेज और आयाम दोनों ही क्या रहने वाले हैं नियत रहने वाले हैं इसी प्रकार फेज मॉड्यूलेशन की जब बात करोगे तो फेज मोडुलेशन में क्या होगा आपका जो फेज होगा कैरियर का वो मैसेज सिग्नल के अनुसार चेंज होगा जबकि आयाम और आवर्ती दोनों क्या रहेगी नियत रहेगी तो इस प्रकार से आपकी एम एफ एम और पी एम तीनों की ही जो डेफिनेशन है वो आप लोगों की कवर हो चुकी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और आंसर बताने की कोशिश कीजिए अब बताइएगा इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि सिटीजन जो बैंड रेडियो है उसमें अधिकतम कितने चैनल हो सकते हैं तो यह भी काफी अच्छा क्वेश्चन है तो तीनों पॉइंट ध्यान में रखना है कि जो सीटीजन, सीटीजन, जो सिटीजन सिटीजन बैंड रेडियो है बैंड रेडियो है इसकी जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी थी वो ध्यान में रखना है 26 से कितनी थी आप लोगों की 27.1 मेगाहर्ट्ज़ थी दूसरा पॉइंट ध्यान में रखना है कि इसमें कौन सी मॉड्यूलेशन टेक्निक यूज में ली जाती है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और तीसरा ध्यान में रखना है कि इसमें मैक्सिमम 40 चैनल हो सकते हैं कितने हो सकते हैं 40 चैनल हो सकते हैं तो सी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट होगा प्रकाश शर्मा गुड इवनिंग भाई सभी को तो आप लोगों की जो लाइव क्लासेस हैं इवनिंग में प्रैक्टिस सेट की वो स्टार्ट हो चुकी है तो क्लास को शेयर करने का भी प्रयत्न कीजिएगा ताकि आप लोग अधिक से अधिक क्वेश्चन कर सके ठीक है तो आप लोग भी कोशिश कीजिए कि क्लास को शेयर करने का ताकि ज्यादा स्टूडेंट होंगे माहौल उतना ही अच्छा बनेगा और आप लोगों को कंपटीशन का लेवल का भी पता चलेगा कि कौन बेटर परफॉर्म कर रहा है अपने को क्या क्या सुधार और करनी चाहिए ठीक है इसलिए ऑडियंस जरूरी है ठीक है आज तो ये फर्स्ट क्लास है लेकिन आगे की क्लास में भी आप लोग थोड़ा सा कोशिश करें कि एक्टिव रहे ठीक है तो आप लोगों को पहले ही बता दिया जाएगा कि कौन से टॉपिक के अपन क्वेश्चंस करने वाले हैं तो यहाँ पर पहले पहला जो टॉपिक अपन ने स्टार्ट किया है मोबाइल कम्युनिकेशन ठीक है तो इसमें आप लोगों के इजी और टफ दोनों ही क्वेश्चंस आप लोगों के यहाँ पे अपन ने ऐड किए हैं और उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है इसी प्रकार से ये कर्म आप लोगों का चलता रहेगा ये जो सीरीज स्टार्ट किया कौन सी है आप लोगों की टॉपिक वाइज ठीक है थीके? जो बेनिफिशियल रहेगी आप लोगों के लिए एल पी एल पी के लिए कनिष्ठ अनुदेशक के लिए डीएमआरसी की भी वैकेंसी आई थिंक जहां तक मुझे सूचनाएं मिली है इसी साल में आने की संभावना है ठीक है दिल्ली मेट्रो में इस साल वैकेंसी आने की पॉसिबिलिटी बन रही है ठीक है तो पहले से तैयार रहिएगा और अब इलेक्ट्रॉनिक्स में ऑडियंस भी ज्यादा बढ़ चुकी है तो कंपटीशन भी अच्छा होने वाला है जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि डी में मैंने बताया था कि आपकी मेरिट जो सेवेंटी फाइव और एट्टी फाइव के बीच में रहने वाली है लेकिन बहुत ज्यादा हाई मेरिट गई है ओबीसी में लगभग आपकी 88 के करीब 89 के करीब गई है है ना? तो बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे जो मतलब से रहे हैं ठीक है तो वो बच्चे हताश न हो क्योंकि आने वाले समय में जो भी वैकेंसी आएगी तो ऐसा मान के चलिए कि आपका 100 परसेंट सिलेक्शन हो जाएगा ठीक है ना चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि मोबाइल टू वे रेडियो यूज नॉन कॉमर्शियल टाइप ऑफ सर्विस अब एक तो होती है कॉमर्शियल कॉमर्शियल और दूसरी होती है नॉन कॉमर्शियल दोनों में अंतर क्या होता है भाई नॉन जो कॉमर्शियल होती है इसमें क्या है कि कोई भी प्रॉफिट गेन करने का प्रॉफिट कमाने का कोई भी टारगेट नहीं होता है किसी भी कंपनी का राउरकेला स्टील प्लांट के भी एडमिट कार्ड आ गए हैं सर आज वेरी गुड ठीक है तो नॉन कॉमर्शियल वे, वे आप लोगों के रेडियो स्टेशन होते हैं जिनका कोई प्रॉफिट कमाने का उद्देश्य नहीं होता है ठीक है जैसे कोई भी गवर्नमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो उनके द्वारा जो प्रचालित सर्विसेज़ हैं, वो प्रॉफिट नहीं कमाना चाहता है लेकिन केवल क्या है कि लोगों को न्यूज उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से होता है तो वो कौन सा है नॉन कॉमर्शियल और कॉमर्शियल में हमेशा टारगेट किसका होता है गेन प्रॉफिट प्रॉफिट कमाने का उद्देश्य रहता है तो वो कौन से होते हैं आप लोगों के कॉमर्शियल होते हैं तो जो मोबाइल टू वे रेडियो यूज है वो नॉन कॉमर्शियल टाइप की सर्विस है ठीक है कौन सी है नॉन कॉमर्शियल ठीक है तो अंतर का भी पता से आप लोगों को कि कॉमर्शियल क्या होता है और नॉन कॉमर्शियल आप लोगों का क्या होता है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बताइए ये भी अच्छा क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि विच ऑफ़ फॉलोइंग इज ए मोबाइल टू वे रेडियो नॉन कॉमर्शियल टाइप ऑफ सर्विस तो बात करने के लिए जो स्विच करते हैं स्विच टू टॉक ठीक है तो वो क्या है आप लोगों की नॉन कॉमर्शियल है ठीक है नॉन कॉमर्शियल के एग्जाम्पल और देखना चाहोगे तो आपका एमच्योर है रेडियो वो भी है ठीक है इसके अलावा अगर आप बात करोगे तो आप लोगों का जो एल है लैंड मोबाइल रेडियो सिस्टम है वो भी इसी का भाग है ठीक है तो यहां पर क्या होगा स्विच टू टॉक नेक्स्ट क्वेश्चन ये लो अभी मैं जिसकी बातचीत कर रहा था वो ही क्वेश्चन आ गया कि एक मोबाइल टू वे रेडियो नॉन कॉमर्शियल टाइप ऑफ सर्विस यूज कौन से प्रकार की सर्विस यूज करता है तो हमेशा ही ध्यान में रखना है कि ये आपका जो एम होता है एम्पलीट्यूड जो मॉड्यूलेशन होता है इस एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर और सिंगल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर और आप लोगों का सिंगल साइड कैरियर ठीक है इन तीनों का यहां पर ये यूज करता है ए एम का आप लोगों को भाग पड़ा होगा आप लोगों ने कि एम के कौन कौन से भाग होते हैं एक तो होता है डबल साइड बैंड फुल कैरियर होता है तो डबल साइड बैंड फुल कैरियर का यूज नहीं करता है केवल किसका करता है डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर और सिंगल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर और सिंगल साइड कैरियर सिंगल बैंड कैरियर सिंगल बैंड एस बी सी ठीक है ओके okay ठीक है थीके? तो आज की क्लास में कितने क्वेश्चन कर लिए सत्रह क्वेश्चन कर लिए ठीक है तो अब आपको क्या करना है क्लास को शेयर करना है ताकि थोड़ा सा और ऑडियंस अगर ऐड होगी तो ज्यादा से ज्यादा अपन क्वेश्चन करेंगे और अपना माहौल भी क्या है थोड़ा सा अच्छा बन जाएगा ठीक है तो क्लास को शेयर ना कर शेयर करना ना भूले ठीक है और आज से ही अपने जो भी टाइम टेबल है उसमें एक क्लास और ऐड कर दीजिएगा सात बजे से आठ बजे तक आप लोगों का प्रैक्टिस सेशन ठीक है तो एक बार कमेंट करके बता दो कैसा रहा सेशन ताकि अपन और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस अगली क्लास में करें हाँ भाई बता दो जल्दी से हाँ बताइएगा हाँ भाई दिनेश संजू टेक्निकल सिटीजन जमुना प्रकाश शर्मा ठीक है तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में तब तक के लिए धन्यवाद